और गाइस इसके आसपास काफी अंधेरा है गाइस। इधर इधर देख तो जो कि हम अंदर में जा रहे थे आप खुद से अंदाजा लग ही रहा होगा। तो हमारे लाइट देखा, लाइट देखा, लाइट बा लाइट बा। और गाइस यहां पर जैसे जैसे गाइस हम जैसे जैसे हमारा कैमरा कैमरा का लाइट हम लोगों ने साइकिल उठाया और निकल पड़े थे अपने मंजिल की तरफ। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारे साथ अजीबोगरीब चीज होने वाले हैं। और रास्ता काफ़ी सुनसान था, रास्ता में कोई भी नहीं चल रहा, आसमान में बिल्कुल बादल छाए हुए थे। और हम एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचने वाले थे जो दिन में देखने पे तो बिल्कुल सुंदर लगता है, लेकिन रात को देखने पे वो बिल्कुल खतरनाक। और एक ऐसा पेड़ जो जंगल के बिल्कुल सामने एक सड़क के किनारे ना जाने कितने सालों से यहाँ पर है, और ये पेड़ में एक भी पत्ता नहीं है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा भयानक लग रहा है। और हम यहाँ से निकले अगली पड़ाव की तरफ, और हमारे साइकिल के साथ कुछ अजीब होने वाला था। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, और सड़क बिल्कुल खाली ही हो चला था। भाई तो कहाँ जा रहा है इधर? तेरे को बोला कहाँ जाने शुरू में? तू बोले इधर मत चल, आज देख किधर किधर घुमा, झूठे मुट्ठे का अबे किलवा ने दिखाया, इधर किधर घुमा रहा थे तो दिखाने का कौन जगह लेके आ गया अंदर घुस। देख रहा हम खाली सुनसान घर। अब आगे हम इस घर के बिल्कुल पास जाने वाले थे। और गाइस यहाँ पर और भी काफी सारी गाछें हैं। कुछ सारी उरी नहीं है। डर लग रहा है, झुंड लेके आ गया है, कोई रहता नहीं। तो वाटर इसके आसपास काफ़ी सारा पूरा खाली जगह, ये जो सामने का इलाका है, ये पूरा जो सामने का इलाका है गाइस, ये पूरा खाली इलाका है। और गांव गांव का भी आवाज़ आ रहा है गाइस, वो भी रात के समय। बिल्ली भाई, बिल्ली आँख चमक रहा है, आँख चमक आँख चमक रहा है। इधर 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 ये पेड़ डरावने लग रहे थे, और इसके टहनियों से लटके हुए ये लताएं इसे और भी डरावने बना रहे थे। और इसके आसपास जितने भी घर हैं वो पूरा खंडहर हो चुका है। हम निकल चले उस डेंजरस घर के तरफ, और हम सभी को डर भी लग रहे थे, लेकिन हम लोग डर कम करने के लिए मजाक भी कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर एक खंडहर भी, एक नहीं दो 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 नहीं तीन, यहाँ पर गाइस तीन खंडहर भी है। यहाँ पर हम इस घर के पास पहुँचे तो देखे ये घर जगह जगह से टूटा हुआ है, जैसे और भी डेंजर बना रहा है। हम में से किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ इस घर के अंदर जाने में, इसीलिए हम बाहर से ही सीन दिखा रहे हैं। इस अंधेरी रात में इस घर को और भी भयानक बनाता जा रहा है।